बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइनएप्पल लिमिटेड रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 89,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 74,000। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक 45,000 है, क्लोजिंग 37,000 है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 80,000 है और क्लोजिंग 94,000 है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज वॉट? लिस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज 1,125,000। पेरोल कितना है? 1,500,000। रेंट कितना है? 3,20,000। हीट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 1,60,000। फैक्ट्री की डेप्शन जो होगी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेकिन एडमिन डेप्शन जो है वो एडमिन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज होगी। और जो वेयर हाउस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से डेप्रिसिएशन है, चाहे वेयर हाउस बिल्डिंग की हो, चाहे वो व्हीकल्स जिनके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी डेप्रिसिएशन हो, ये डेप्शन चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो हमने कहा था ना, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को अलग अलग करना सीखें। जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। याद है बेटा सब लोगों को? रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सबका, याद है? अच्छा, मिसक्लेनियस प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 20,000 के और सेल्स वैल्यू है 4,280,000 की। ओके ना, अब इस पे परसेंटेज दी हुई है। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वर एज फॉलोस। तो जो मटेरियल कॉस्ट है उसका 90% जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ऑफ ठीक है जी, 90% ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच 20% वाज इनडायरेक्ट। तो जो मटेरियल यूज्ड हुआ है, कंज्यूम हुआ, उसकी बात कर रहा है। मटेरियल परचेज की बात नहीं कर रहा, मटेरियल कंज्यूम की बात कर रहा है। 90% ऑफ द मटेरियल यूज्ड, अब चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो एक काम करेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल निकालेंगे, ठीक है, एड परचेजेस ऑफ मटेरियल निकाल लगाएंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी, तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो मटेरियल यूज्ड है, उसका क्या कहते हैं बेटा, 90, उसका 90% जो है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और मटेरियल यूज वॉज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 40% ऑफ द पेरोल वॉज डायरेक्ट लेबर, 20% वॉज इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, एंड द रेस्ट वॉज टू बी एलोकेटेड इक्वली बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो अगर 40% डायरेक्ट है, 20% जो है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है जी, 20% इनडायरेक्ट है। और जनाब उसके अलावा देखिए, अब यहां पर जो उसमें जो ऑफ विच, मतलब ये जो बोला 90% मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ऑफ विच 20% वाज इनडायरेक्ट, जो 90% इस्तेमाल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें से 20% इनडायरेक्ट है। तो ये एक टेक्निकल, मतलब जो 90% में 20% है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ख्याल रखिएगा। और कॉमा लगने के बाद भी, यानी कॉमा लगाने के बाद ये 20% है, तो ये भी एक बड़ा मसला इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा 40% ऑफ द पेरोल वॉज डायरेक्ट लेबर एंड 20% वॉज इनडायरेक्ट, रेस्ट वॉज टू बी एलोकेटेड इक्वली टू एडमिन एंड सेलिंग। 50% ऑफ द रेंट वॉज फॉर फैक्ट्री, 30% सेलिंग एंड 20% एडमिनिस्ट्रेशन। 80% ऑफ हीट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिलोंग टू फैक्ट्री एंड रिमेनिंग इक्वली डिवाइडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। अब आप मुझे बताइए कि आपने मटेरियल की एलोकेशन कैसे की, जिन लोगों ने कैलकुलेशन की है, जरा बताइए मटेरियल कैसे वर्कआउट किया आप लोगों ने।
ये सवाल है मेरा आपसे। हाँ बेटा सबसे पूछो, थोड़ा बताइए रिस्पॉन्स कीजिए मुझे आप जरा। सब लोग बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वजाहत बेटा, वेरी गुड यार, जबरदस्त वजाहत, जबरदस्त, बेहतरीन वजाहत, आपका आंसर करेक्ट है बेटा। वजाहत बेहतरीन काम कर दिया, गुड वजाहत, गुड। ठीक है बेटा, जरा इसको देख लें, इस चीज को समझ लें। यार नवाज मटेरियल यूज की बात कर रहा है, ठीक है ना, मटेरियल यूज की बात कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट निकाल लो, मटेरियल यूज डायरेक्ट निकाल लो, कंज्यूम हुआ, फिर उसके ऊपर एलोकेशन कर दो आपस। ओवरऑल आपने साल भर में मटेरियल कितना यूज किया है, ठीक है। तो बिजनेस का नाम क्या था बताइएगा? पाइन एप्पल लिमिटेड। ओके, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2014। ठीक है जी, तवज्जो से जरा देखिएगा इस चीज को। रुपीज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताइए? 89,000। एड, बल्कि इसको एक लाइन में वर्कआउट करते हैं हम बेटा, इसको वन लाइन में वर्कआउट करते हैं। बस सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, इन शॉर्ट हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 89,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है?
जवाब दे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? $1,125,000. ठीक है, सही है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 74,000. अब आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने से आ रहा है, ये आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। आप इसको बोलूंगा मैं रॉ मटेरियल यूज्ड, कितना आ रहा है? 1,140,000. इसका निकालो आप 90%, ठीक है, और बचा कितना 10%। यस और नो? इसका निकाला आपने 90% और फिर निकाला आपने 10%, 1,140,000 का 90% बताओ कितना होता? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कितना है बेटा? 1,026,000. तो फिर 10% कहां गया? 10% रॉ मटेरियल जाया भी तो हो सकता है ना, 10% रॉ मटेरियल यूज तो हुआ है, लेकिन वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। सिखाया एबनॉर्मल लॉसेस आपको इन्वेंटरी पढ़ाते वक्त? तो जो मटेरियल जाया हो गया, मतलब आपने वैसे तो साल भर में जो मटेरियल यूज किया है ना बेटा, वो मटेरियल आपका 1,140,000 है, लेकिन उसमें से जो सही मायनों में कंज्यूम हुआ है, जो इन्वेंटरी में लगा है, वो है 90%, और 10% आपका मटेरियल जाया हो गया। इस्तेमाल तो 1,140,000 हुआ है, लेकिन उसका 10% जाया हो गया, वो कितना है? 10% 114,000। ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको आप चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है, कुछ समझे बात या नहीं? अच्छा, अब एक और चीज समझनी है, वो क्या है? ये जो टर्म्स है ना, अंग्रेजी बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है। देखो अब दो बातें हैं बेटा, एक है 90 का 70% और एक है 90 में 70%। ये दोनों बातों में फर्क है क्या? नहीं है। 90 का 70% है, 90 में 70%। इस बात को पिक करो, जब पिक कर गया उसने कमाल कर दिया। 90 का 70% और 90 में 70%। नब्बे का 70%, 90 में 70%। 90 का 70% का मतलब क्या हुआ? नब्बे का 70% मतलब ये हुआ कि 90 का 70% जो है, यानी कि 1,026,000 का 70% जो है वो डायरेक्ट है, बाकी रिमेनिंग परसेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। सॉरी, 90 का इनडायरेक्ट से 20 बोला है ना। ओके, इस तरह सोचो 90 का 20% या 90 में 20%। 90 का 20% 18 बनता है बेटा, लेकिन 90 में 20% 20 ही रहेगा। तो अब हमें 90 का 20% लेना है यानी 18% लेना है, या 90 में 20% लेना है यानी 20% ही लेना है? तो अगर मैं 90 का 18% 90 का 20% लेता हूं तो 18% बनता है, तो बचता है वो 72% है। और अगर मैं 90 में 20% लेता हूं तो जो इनडायरेक्ट है
वो 20% बनता है और डायरेक्ट जो है 70% बनता है, यस और नो? तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 70 और 20 में, यानी 90 का 20% नहीं, 90 में 20%। मेरी बात समझे? अब कॉमा लगावा है ना कॉमा, ये देखो एग्जामिनर का कमाल, देखो बेटा एग्जामिनर का कमाल, ये कॉमा है कॉमा, ये यहां पर कॉमा लगावा है, जरा देखना, ये रहा ये कॉमा है, कॉमा ऑफ विच 20%। इस कॉमा को हटा दो, जैसे ये कॉमा हट गया कमाल हो गया, मायने चेंज हो गया, फिर होगा 90 का 20%। कॉमा हटने से मायना होगा 90 का 20%, कॉमा लगने से मायना होगा 90 में 20%। क्या बोलते हो? कॉमा हटाओ और कॉमा लगाओ, मायना चेंज, देख रहे हो एग्जामिनर के मामलात? अगर यही बात मैं कॉमा हटा के लिख दू तो मायना चेंज है, और यही बात मैं कॉमा लगा के बोल दू तो मायना कुछ और है। देख लें जरा इन छोटी छोटी बातों पर, जरा गौर कर लें कि ये क्या क्या चीजें हैं बेटा, ये क्या क्या कमालात हैं, ये एग्जामिनर की करामात हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1,026,000 वालों को डिवाइड बाय 90 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 70 कीजिए। आप बोले ये 90 हिस्सों के बराबर है, इसके 70 हिस्से डायरेक्ट है और 20 हिस्से इनडायरेक्ट है। वन मिलियन 26,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 70, कोई जल्दी 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 बताइए। रिस्पॉन्स बेटा रिस्पॉन्स 798। अच्छा, और उसके बाद 1,026,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 20, 2,28,000। 28 कैसे? हाँ 28 ही सही, 2,28,000। सही है बेटा, समझे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो ये आया, अब देखना ना, ये आया प्राइम कॉस्ट, ये जाएगा प्राइम कॉस्ट में और वो जाएगा ओवरहेड्स में। जवाब दे बेटा। और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस पूरा चार्ज होगा, एक्सपेंस पूरा चार्ज होगा मटेरियल का। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? कहानी समझ में आ गई? तो मटेरियल कंज्यूम्ड में से कितना बिलोंग करता है प्रोडक्शन से? अगर मैं उसको डायरेक्ट वर्कआउट करूं तो मैं डायरेक्ट भी वर्कआउट कर सकता हूं। कैसे? मैं डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकता हूं 798 को। कैसे भाई? ये 100% है, 100 का 70, 100 का 20 और 100 का 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास 798,000। चेक कर लें आप इसको, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड क्या कर दिया, ऐड डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर पेरोल आ गया 1,500,000, ठीक है। 40% ऑफ द पेरोल वॉज डायरेक्ट एंड 20% वॉज इनडायरेक्ट। वही पेरोल का 40% डायरेक्ट है, तो 1,500,000 का
निकाल लिया आपने 40%, क्या आंसर आया बताइए? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बेटा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी, 6 लाख रुपए। उसके बाद ये सम क्या कहलाया आपका? प्राइम कॉस्ट। यस और नो? 1,398,000, ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें ऐड करें क्या? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या है आपके पास? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि मटेरियल कंज्यूम का ही कितना है? 20%। वर्किंग हुई हुई है, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 228,000। तो वर्किंग में अलग से नहीं कर रहा इसको। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इसकी वर्किंग करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कितना था? 1,500,000, सॉरी लेबर पेरोल था 1,500,000। 40% डायरेक्ट था, 20% इनडायरेक्ट है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन सेलिंग एंड एडमिन। बताइए बेटा कितना बना? 3 लाख रुपए। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हीट, पावर एंड लाइटिंग, ठीक है। अच्छा, रेंट जो है, रेंट रेंट के बारे में बताया नहीं क्या? फैक्ट्री का रेंट है क्या? नहीं है, सही है। रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? फैक्ट्री रेंट के तौर पे मेंशन है क्या? लिखा हुआ है? ओके ओके, यस, 50% ऑफ द रेंट वाज ऑफ फैक्ट्री, गुड। 50% रेंट फैक्ट्री का है, करेक्ट का भाई, क्या कर दें, लिखा हुआ है। तो रेंट, रेंट कितना दिया हुआ आपको? 3,20,000। 3,20,000 का निकाल लें भाई 50%। कितना बना इसका 50% बेटा? 1,60,000। अच्छा जी, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, तो 80% जो है वो फैक्ट्री से बिलोंग करता है। हीट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी टोटल कितना है बेटा? हीट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस हमारे पास 2,80,000। 2,80,000 का नहीं, सॉरी 1,60,000। 1,60,000 का 80%। कितना बनेगा? 1,28,000।
ओके जी ओके। उसके बाद बेटा फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन क्या करें, चार्ज कर दें बिल्कुल, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दैट बिलोंग्स टू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी ऑफ फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन कितनी, 2,80,000। जी उसके बाद एडमिन की एडमिन का पार्ट बनेगी, डेप्रिसिएशन सेलिंग सेलिंग का पार्ट बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये क्या है बेटा, ये तो आपकी भी, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है आपके पास। मिसकेलेनियस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है जी, ये कितने आपके आपको दिए हुए बताइए, 20,000 रुपए। अब बताइए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आई, पहले तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का सम करवाते, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का सम क्या आता है बताइए, बताइए बेटा सब लोग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का सम क्या आता है, ₹1,116,000। ठीक है जी, इसमें ऐड कर दें 1,398,000 टोटल बता दें, प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, 2,514,000। अच्छा जी, इसमें ऐड करें क्या ऐड करें, इसमें ऐड करें क्या ऐड करें, ओपनिंग 1,000,000 कितना बेटा बोलिए, 45,000, और इसमें लेस करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना, 2,514,000 में आपने प्लस किया 45,000 और लेस किया 37,000, तो आंसर क्या बना, आंसर क्या बना, 2,522,000। ये क्या है, यह है कॉस्ट ऑफ
फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. यस और नो? तो ये जो कॉस्ट है ये हमें क्वेश्चन ने बताया, हमने साल भर में 10,000 यूनिट्स बनाए बेटा. तो अगर हम ये जो 2,522,000 है, अगर ये 10,000 यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट है, तो इसको डिवाइड बाय 10,000 करने से क्या मिलेगा हमें? रेट मिल जाएगा. रेट रेट क्या रेट मिला चेक करो. रेट मिलेगा, चेक करो रेट. 2,522,000 को डिवाइड बाय करो 10,000. डिवाइड करो 10,000 से, बताओ आंसर क्या आता है. 252.2. एक यूनिट पड़ा 5, कैसे 0.2 ही होगा ना यार. 252.2 यानी एक यूनिट पड़ा हमें कितने का? 252.2 कहते हैं 20 पैसे का. समझे मेरी बात को? अब जरा इस तरह सोचो प्रैक्टिकली कि हमें फिनिश गुड्स के यूनिट्स कैसे मिले होंगे. हम फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए गए होंगे गोडाउन में, यस और नो? हम फिनिश गुड्स का स्टॉक गिनती करने गए होंगे गोडाउन में, यस और नो? और उनकी गिनती कर ली होगी. गिनती करने के बाद उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा 252.2 से, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई होगी. जवाब दो. अब आप मुझे बताओ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास? आपके पास फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अगर आपने 94,000 इस रेट से निकाला तो बताइए आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे इन हैंड? क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए यूनिट्स कितने थे आपके पास? कोई बता सकता है? देखो कितने बच्चों वाले सवाल करता हूं मैं और आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो क्या करो भाई, इस 94,000 को मल्टीप्लाई कर दो, किस डिवाइड कर दो किससे? रेट से. यूनिट्स मिल जाएंगे 373 बोल दो इसको, 372-73 जो भी बोलना चाहो. 252 का रेट लेके देख लो ना. 94,000 डिवाइडेड बाय 252, क्या राउंड फिगर आंसर आता है कि नहीं आता? ₹373 आंसर आ रहा है ना बेटा आपके पास. तो मतलब बताने का ये, देखो आपने गोडाउन में क्या किया, आपने गोडाउन में यूनिट्स काउंट किए कि इतने बचे हुए, और जो साल भर में यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड बाय यूनिट्स कर दिया, उससे आपको रेट मिल गया. उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया आपको? कॉस्ट मिल गया. तो अब अगर आपको कॉस्ट दी हुई है 94,000 और रेट आपको पता लग गया है 252, लेकिन यूनिट्स आपको मालूम नहीं है यार, तो मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर पाते हम. यकीन करें एग्जामिनेशन में कोई भी नई सिचुएशन हम जरा कागज पे भी आके फेस करना नहीं चाहते, हम अपने दिमाग को, अपने दिमाग की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों. तो फिर यूनिट्स बराबर हुए किसके? यानी गोडाउन में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक के 373 यूनिट्स है बेटा. हमने गोडाउन में गिनती की होगी, रेट हमने निकाला होगा भाई 2,527, 10,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट है, ठीक है, और आपके सामने बेटा. बेटा मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं हुआ स्क्रीन का, आप दोबारा कनेक्ट होके देखो इसको. क्या जनाब, जवाब दीजिए आप सब लोग बेटा. ये कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे. बहरहाल अच्छा, अब इसमें ऐड कर देंगे आप, क्या ऐड कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स?
80,000 और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना 94,000। और ये 94,000 अगर ना दिया हुआ हो और यूनिट्स दिए हुए हो तो मैंने अगर मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये बोलता कि आपके पास गोडाउन में 373 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो आपको क्या करना होता, 2,528,000 को डिवाइड करना होता नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, रेट मिलता उस रेट से आप क्या करते इन 373 यूनिट्स को वैल्यू कर लेते। बस शर्त ये कि वो रेट ज्यादा होना चाहिए, वो रेट कम होना चाहिए, एनआरवी ज्यादा होना चाहिए, जो लोअर हो उस पे वैल्यू करना होता है। ये सारी बातें याद है ना बेटा, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अभी तो एनआरवी इसमें ऐड नहीं की, शामिल नहीं की। तो अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है आपके पास। ठीक है जी, ये आपके सामने अब यहाँ पर आ गया। अगले पेज पे चलते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नाम नहीं लिख रहा, इन शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम है। एसओसीआई सेल्स बताइए, सेल्स सेल्स की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा। सेल्स की वैल्यू कितनी है, 4,280,000। लेस करवा दिया आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, $2,508,000। ठीक है, अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। $1,772,000। अब इसमें से दो एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, वन लाइन के अंदर उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो उसकी वर्किंग कर लें आप, वर्किंग्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस जो कि पेरोल है आपका, बताइए बेटा। सैलरीज एंड वेजेस यानी पेरोल में से कितनी सैलरीज बिलोंग करती हैं, और जो बची हुई थी ना, बची हुई, बची मतलब क्या है, 40%, 20% और 40% निकाल लिया, 20% निकाल लिया, 60% निकल गया। अब बचा कितना, 40% जो कि आधा आधा डिवाइड होगा बिटवीन किस में, इसका मतलब क्या हुआ, 40 का तो वही बनेगा ना 20%। ₹3,00,000। अच्छा, उसके बाद रेंट, 30% रेंट बिलोंग टू सेलिंग,
तो रेंट का वैल्यू क्या है आपके पास? 3,20,000। 3,20,000 का निकालें बेटा जरा 30%। बताइए 3,20,000 का 30% 96,000। अच्छा जी, उसके बाद हीट पावर एंड लाइटिंग, तो जो 20% होगा उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10%। तो हीट पावर एंड लाइटिंग कितना है? 1,60,000। 1,60,000 ना बेटा, हीट पावर एंड लाइटिंग 1,60,000। 1,60,000 का 10% निकालें बेटा, क्योंकि 80% तो आपने एलोकेट कर दिया किसको? फैक्ट्री को। बचा 20%, वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन। तो 1,60 का 10% तो 16,000 हुआ ना बेटा। भाई रिस्पॉन्स कर दें यार आप लोग। एक लाख साठ हजार का 10%। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें मजीद, तो बात क्या होगी आगे? उसके बाद डेप्रिसिएशन एडमिन वाली कितनी है बेटा? 1,50,000। और कोई तो सेलिंग एक्सपेंस नहीं है ना हमारे पास, कोई कमीशन, कोई एडवर्टाइजमेंट, अगर ये भी है तो ये लिख दें, कोई बैड डेट, ये भी आएगा इसके अंदर। अगर बैड डेट भी, तो बैड डेट भी सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, यहां तक कसम करें, जल्दी कर दें बेटा, जल्दी समझ का। कितना सम हुआ बेटा? पांच लाख बासठ हजार ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें आप? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बताइए जरा। सैलरी दिन वेजेस तो वही आएंगे, ₹3,00,000 के वो रिमेनिंग 20% का रेंट जो है वो उसका 20% हिस्सा आएगा, 3,20,000 का 20% कितना? 64,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हीट पावर एंड लाइटिंग, ये तो सेम आ जाएगा 10%। ठीक है, कितना? 16,000। अच्छा, उसके बाद आएगी डेप्रिसिएशन। एडमिन की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है बेटा? 1,00,000 रुपये।
अब एक चीज और बची है जो कि एडमिन का पार्ट बनेंगे, वो है एबनॉर्मल लॉस। कितना है एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस कितना निकाला था हमने, जो कि हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 114,000। ठीक है जी, ये सम कर दें, सम कर दें, 594,000। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 562,000 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, 594,000 आपका एडमिन एक्सपेंस है। इन दोनों एक्सपेंसेस का सम कर लीजिए, हाँ जी, कितना सम आता है, 1,560,000। वो जब आप क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, तो बेटा आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इसमें और एक्सपेंसेस अभी माइनस होना बाकी होते हैं, लेकिन अब फिल वक्त हमारे पास मजीद एक्सपेंसेस नहीं है, इसे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, तो वो होता बैंक चार्ज, तो क्या करते नीचे से लेस करते, बतौर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस। अगर इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है और वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ताकि वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का क्या बन जाए, पार्ट बन जाए। ठीक है, बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए। ओके यार, तो बता दो यार, नेट प्रॉफिट तो बता दो अल्लाह के बंदो, 1,156,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आया, 616,000 आएगा ना, 616,000। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखा कितनी मिस्टेक्स हुई होगी हमसे, हमें आइडिया नहीं इन चीजों का। ठीक है, हम बातें समझते क्या हैं और बातें निकलती क्या हैं। ठीक है बेटा, इसको यहां तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।